तो हेलो दोस्तों, देखने को मिल जाएंगे इन वीडियो के सारी मूवी के नाम आपको मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा, उसका ट्रेलर भी साथ में बता दूंगा। वीडियो पे नया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियो आपको मिलती है। चलो वीडियो उठा डाल। नंबर 5 पे आती है हमारी एवरी डेड, जिसकी मूवी शायद रिलीज हुई थी मतलब 1981 में। इस मूवी की कहानी दिखाई जाती है ऐसे दोस्तों के बारे जो जंगल में घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जाकर फंस जाते हैं। इनको पता लगता है पूरा का पूरा जंगल जो है श्रापित है और यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती हैं और ऐसे बुरी आत्माएं जो हैं तो इन लोगों को एक एक करके मारने लगती है। फिर इनको मिलता है एक घर जहाँ पर जाकर सारे के सारे लोग छुप जाते हैं। वहाँ पर एक होता तहखाना जहाँ पर पता लगता है सारे के सारे जितने भी दोस्त हैं वहीं पर इनके मार मार के उन्होंने खाकर यहाँ पर दफन किए। और इसमें दिखाया जाता है जो होता है हीरो वो उनको किस तरह से अपने दोस्तों को बचा पाता है, कितने दोस्तों को बचा पाता है और खुद कैसे बचता है, इसके लिए आपको ये पूरी मूवी वॉच करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर आती है हमारी मूवी जो जिसका नाम है बैन हैंसिंग। बैन हैंसिंग ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी नंबर 3 पर आती है, सॉरी नंबर 3 पर आती है हमारी द लास्ट विच हंटर। ये कहानी दिखाई जाती है चर्च के ऊपर जिसमें दिखाया जाता है लास्ट विच बचा है, जो विच हंटर बचा है जो बुरी आत्माओं को मारने वाला। तो उसमें दिखाया जाता है कि इस किस तरह से अपनी मतलब पूरे शहर को बचा पाता है। इसमें से इसकी कहानी है कि जिसमें इसमें एक रेड क्वीन नाम की जो विलन होती है विच होती है वो वापस दुनिया में लौट रही है और किस तरह से पूरी दुनिया को सफाया करने यानी कि पूरी दुनिया को ख़त्म कर देना चाहती है, किस तरह से लास्ट विच हंटर उसको रोकता है और किस तरह से उसको बचा पाता है या नहीं, इसके लिए आपको पूरी मूवी वॉच करनी है। काफ़ी कमाल की मूवी है, मैंने देखी थी, इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है, आपको एक मिनट भी बोर नहीं होने देगी। और बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो बताते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर द हैंसल एंड द ग्रेटल विच हंटर, जिसमें कहानी दिखाई दे दो भाई बहन जो बचपन से ही बिचों का शिकार करते चले आ रहे हैं। इनको पता लगता है पैसे लेकर बिचों का शिकार करते हैं और जाकर यहाँ पर पता लगता है कि किसी गाँव में जाते हैं, वहाँ पर बहुत मतलब काफ़ी बच्चों को घटने बिचरों ने कर रखा है और उसको पता लगता है कि जाते हैं वहाँ पर उनको बचाने के लिए। बाद में पता लगता है उनको सभी बच्चों को मारने के लिए उन्होंने एक एक करके किडनैप कर रखा है। उसकी बहन को भी पकड़ के ले जाते हैं बाद में जाकर, या कैसे किस तरह से अपनी बहन को बचा पाता है या नहीं, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी। काफ़ी कमाल की मूवी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, कहानी भी काफ़ी कूल है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की तरफ। नेक्स्ट मूवी हमें देखने को मिलती है कार्वेन द हंटर, जो कि अभी रिलीज नहीं हुई, आने वाले टाइम में शायद अब जब भी वीडियो देखो तो आपको देखने को मिल जाए। काफ़ी कमाल की मार्वल की तरफ से मूवी आने वाली है, काफ़ी कूल मूवी है। इसकी कहानी भी अभी पूरी तरह से मुझे पता नहीं क्योंकि अभी रिलीज नहीं हुई, मैंने देखी नहीं। मुझे लगता है ये कहानी होने वाली है एक ऐसे मतलब कमज़ोर लड़के की जो जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर रहने के बावजूद ये बनता है, किस तरह से पावरफुल इसकी शक्तियाँ दिखाई देती हैं। तो पावरफुल इनमें कुछ इमेजिनेशन शक्तियाँ आ जाती हैं जिसके लिए लोगों को मारता है, क्योंकि जो लोग जो हैं जानवर में जानवरों को मारते हैं, इसलिए ये काफ़ी कमाल की मूवी मुझे लगता है होने वाली, जो इसके आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाएगी। चलो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो क्या यार, आने वाली वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।